हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर शाहिद द गेमर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने GTA 5 गेम के अंदर हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने के बाद में मैं ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल भी टक्कर नहीं खाएगी। फ्रेंड्स, टक्कर खाना और नहीं खाना जो है वो आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से ड्राइव करते हो अपनी व्हीकल को। सपोज आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, आप 250 और 300 की स्पीड में चला रहे हो सिटी के अंदर, तो आपकी जो व्हीकल है वो टक्कर खाएगी ही खाएगी, चाहे आप कितना भी बेहतरीन वाला हैंडलिंग मोड इंस्टॉल कर लो। बट फ्रेंड, जो आज हम हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने वाले हैं, इसके इंस्टॉलेशन के बाद में जो है हमारी जो व्हीकल की हैंडलिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब कि जब हम टर्न कर रहे हैं या फिर कार के बीच में से निकाल रहे हैं, वहां पे जो है बहुत स्मूथली जो है ये कार निकल जाएगी, हमारी व्हीकल निकल जाएगी ये हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने के बाद में। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैंने आज 5-6 हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करके देखा, पर मुझे जो है सबसे बेस्ट वाला हैंडलिंग मोड जो है वो यही लगा जो मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको भी जो है बता देता हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल होगा। तो चलते हैं मोड इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं इसी हैंडलिंग मोड की बात कर रहा था। ये जो नेचुरल व्हीकल डायनेमिक रियलिस्टिक हैंडलिंग मोड है, ये बहुत ही बेहतरीन हैंडलिंग मोड है और मैं यही यूज कर रहा हूँ। और आपको वीडियो में देखूंगा, अगर मैं ये वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने के बाद कैसा हो जाता है हमारा गेम प्ले और हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करने से पहले कैसा होता है हमारा गेम प्ले। तो ये वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि इसे इंस्टॉल करने के बाद में हमारे गेम के अंदर क्या डिफरेंस आने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहां से डाउनलोड कर लेना है और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-4 हैंडलिंग मोड अभी भी यहाँ पर है, बाकी के मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये सब जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमारे काम है मतलब जो हम इंस्टॉल करने वाले सिर्फ वो रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब ये फाइल रह गई है तो हमें इसे इंस्टॉल करना है और यही हम लोग ने डाउनलोड किया, तो मैं इसे ओपन करूंगा। हैंडलिंग मोड जो है इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है, राइट साइड में मेरा ओपन आई भी है। एडिट मोड को मैंने ऑन कर दिया, मोड्स पे गया, अपडेट RPF कॉमन डेटा, यहाँ पर हमें जो है हैंडलिंग मोड मिल जाएगा, handling.meta। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस वाली फाइल को यहाँ पे ट्रैक कर देना है। इसे ट्रैक करने के बाद में जो हमारा हैंडलिंग मोड है वो हमारे गेम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अभी आपके ऊपर है, आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर है कि आप इस मोड को किस तरह से यूज करते हो। अगर आप बहुत ज्यादा तेज चलाओगे और उसमें टर्न करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है जो है वो टक्कर होगी। अभी आप टेक्नो गेमर्स के वीडियोस देखते होंगे तो टेक्नो गेमर जो है लैम्बोर्गिनी सियान चलाता है और जो है राइट लेफ्ट करता रहता है, वो भी ठोकता है, बट वो क्या करता है कि ना कट कर देता है, उतना कट करके निकाल देता है एडिटिंग में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम GTA 5 के अंदर हैंडलिंग मोड इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बस इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे लाइक का एम रखते हैं 200 और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की आईडी, डिस्कॉर्ड सर्वर की आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दी है, दोनों ही जगह मुझे फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय। Yeah.